कि छत्तीसगढ़ में आज जितने लोग माओवादी समस्या से मर रहे हैं उस उतने ही लोग हाथी से मरने वाले हैं। हर दिन पिछले साल लोग इसमें कहेंगे हाथी की गलती, हाथी की गलती। पिछले 5 सालों में 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट में, 700 से ज़्यादा घर टूट चुके हैं और 7,000 से ज़्यादा एक हेक्टेयर फसलें तबाह हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आप हाथियों के जो हैबिटेट हैं उनको आप माइनिंग में ख़त्म कर रहे हैं। तो हाथी जाएगा कहाँ? हाथी निकल के फाइनली शहरों में आएगा, गांव में आएगा। आज छत्तीसगढ़ के 14 जिले ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट में से प्रभावित हैं। आपको मैं एक बस छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि किस तरीके से राज्य सरकार, राज्य में 2005 में एक लेमलू एलिफेंट रिजर्व बनने वाला था और वो हसदेव के ही इसी 1700 हेक्टेयर के अंदर का इलाका है। 2005 में MOF के द्वारा वो नोटिफाई हो गया, सेंक्शन हो चुका। 2007 में CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री रमन सिंह को कि यदि लेमलू एलिफेंट नोटिफाई हो गया, करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया था, 450-700, यदि वो हो गया तो 7 कोल ब्लॉक कभी नहीं खुल पाएंगे क्योंकि उसके कोल जोन में आ जाएंगे। रमन सिंह ने फाइनली उन 7 कोल ब्लॉक को बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को चिट्ठी लिखा कि नहीं, हमसे गलत सर्वे हुआ है, यहाँ हाथी नहीं, हाथी तो कहीं दूसरी जगह है। और वो लेमलू एलिफेंट रिजर्व को विड्रॉ कर लिया गया सिर्फ 7 कोल ब्लॉक को बचाने के लिए। और आज ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम है वो छत्तीसगढ़ में इतनी भयंकर समस्या हो चुकी है कि अब उसका समाधान इतना आसान नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं हाथी को भी कोयले के लिए आप गायब कर देते हैं। जब फॉरेस्ट डाइवर्जन का मामला आता है तो ट्राइब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, यहाँ हाथी नहीं, हाथी तो उधर है। तो आप किसके साथ जा रहे हैं? फाइनली वो हाथी, हाथी भी मर रहा है और लोग भी मर रहे हैं।